हेलो बच्चों, माय नेम इज राजकुमार गुप्ता। राइट नाउ आई एम स्टडिंग यू फिजिक्स। सबसे पहला बाबू हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स के बारे में कंसीडर करेंगे, ठीक है। 12th क्लास में बच्चे लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग को फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत होता है, फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए। तो एकदम माय डियर टाइप का एकदम बढ़िया आपको एकदम बेसिकली हम बताएंगे आपको कि कैसे फिजिक्स को हम लोग जाने पहचाने, ठीक है। तो ज़्यादा हम अपने करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है बाबू, उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टेट। इलेक्ट्रो स्टेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, पहला है इलेक्ट्रो एंड सेकंड है स्टेट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा बाबू? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और स्टेट का मतलब क्या होगा बाबू? तो रेस्ट। तो वैसा चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टेट। तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो स्टेट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स ऑल द चार्जेस इज इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स ऑल द चार्जेस इज इन स्टैटिक कंडीशन। ये किसका ब्रांच है बाबू? फिजिक्स का ब्रांच है, जो क्या बताता है कि जितना भी चार्ज होगा वो क्या होगा? स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक मतलब समझ रहे ना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वो रुका हुआ जो चार्ज होगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक। अब यहां पर हमें पढ़ना क्या क्या है इस पर कंसीडर करते हैं, इसको लिखिए। इसमें हमें पढ़ना क्या है हम देखते हैं। पहला हमें पढ़ना है इंट्रो, नेक्स्ट पढ़ना है हमें चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, पोटेंशियल, पोटेंशियल, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लास्ट कैपेसिटर। ये सारी चीज हमें यहां पर पढ़ना है एंड कैपेसिटर। सबसे पहले इसको ले लिए बाबू, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। सबसे पहले हमें देखना बाबू चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं बताइए के? तो चार्ज इज द, चार्ज क्या है शॉर्ट भाषा में पहले करो, चार्ज क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई वायर है, तो वायर में क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वायर में चार्ज है। तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसमें चार्ज, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
चार्ज, ठीक है, या हम बोल सकते हैं चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, और चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैपनिंग अराउंड अस। क्या बोले, चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैपनिंग अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दैट मींस उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज। क्लियर, ठीक है, इसको लिखिए। अब यूनिट ऑफ चार्ज हम देखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज क्लियर है बाबू, ठीक है। अरे शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं ना कि अगर हम किसी भी चीज को टच करते हैं, छुए, अब छुए तो हमको लगा क्या चीज कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो या तो अट्रैक्शन हो रहा है या तो रिपल्सन हो रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे अच्छा रूप जादू हो रहा है, और रिपेल कर रहा है तो भी लगा जादू, तो जादू या नहीं हो रहा है, कच्चे हो रहा है, झटका मार रहा है, या तो बोल रहा है आओ या तो बोल रहा है जाओ। तो अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा तो हम बोलेंगे क्या कि उस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किसी भी चीज पर करता है तो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो चार्ज को डिस्कवर जो किया होगा वो बड़ा सोच करके किया होगा, वो देखा होगा पहले कि कौन अट्रैक्ट कर रहा है कौन रिपेल कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, वो कूलम, कूलम ने ढूंढा था चार्ज का, चार्ज को, इसलिए वो अपने नाम पर कर लिए ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्यू बराबर करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो चार्ज बराबर हो जाएगा क्यू बराबर आई टी। क्लियर है, चलिए इसको भी, तो Q इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट। चलिए बढ़ते आगे, तो हम लोग देखे बाबू Q इक्वल्स टू आई टी, डायमेंशन क्या हो जाएगा बाबू, डायमेंशन हो जाएगा ए टी, करेंट का होता है ए, टाइम का होता है टी, तो ए टी, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का पहला प्रॉपर्टी क्या है बाबू, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, सेम चार्ज देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, तो रिपल्सन होगा, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो दो हम लोग कह सकते हैं सेम चार्ज रिपल्सन एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया बाबू,
क्लियर है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैसे हम क्वांटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे मान के चलिए आप इन्वर्टर खरीद के लाए, तो इन्वर्टर शुरू में क्या है आपका ढांचा, कुछ भी नहीं है, बस एक ढांचा आप खरीद के लाए मार्केट से और उसको रख दिए, उसमें एक आपको इन्वर्टर दिया एक बैटरी दिया, उससे कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, बस हम वहां लाए और जैसे ही उसका इन्वर्टर का प्लग हम चार्ज में लगाते हैं तो क्या होता है, करंट पास होने लगता है, इलेक्ट्रॉन पास होने लगता है, कहां से, तो वो जो ट्रांसफार्मर से लाइट आ रहा है वो कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, अब बैटरी में ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक फोन से दूसरे फोन में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वन फोन टू अनदर फोन, तो व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अब जो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है फिक्स्ड क्वांटिटी में होगा, नॉट इन फ्रैक्शन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो फिक्स्ड अमाउंट में हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से, न कि तीन बटा चार इलेक्ट्रॉन, पांच बटा चार, फ्रैक्शन में नहीं होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो ऑलवेज किससे मल्टीपल हो रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज इन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी, नॉट फ्रैक्शन, फिक्स्ड क्वांटिटी, एंड this amount of charge is always integral multiple of electronic charge, वो हमेशा क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज नहीं है क्यू, तो क्यू बराबर क्या होगा, तो प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां एन क्या हो गया बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या इंटीजर कह लीजिए, और ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो अगर